हेलो एवरीवन, लेयर्स एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी जितनी भी व्यापम की और बैंक और एसएससी की जो एग्ज़ाम्स हुई है, उसके पहले भी जो एग्ज़ाम्स हुई है, सभी में इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आप इसके क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में देख सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है, ये रिलेटेड है एडजेक्टिव्स है, सम कॉमन एडजेक्टिव्स, एंड दैट इज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एंड लिटिल, अ लिटिल, एंड द लिटिल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज फ्यू, अ फ्यू, एंड द फ्यू, एंड हाउ टू यूज लिटिल, अ लिटिल, एंड द लिटिल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आता है उसमें एक साथ ऑप्शन आ जाते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, या फिर एक साथ ऑप्शन आ जाते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो होता ऐसा है कि सभी ऑप्शन हमको एक जैसे लगते हैं, कि क्योंकि फ्यू भी हमारे लिए अफ्यू के बराबर है और अफ्यू हमारे लिए द लिटिल के, द फ्यू के बराबर है। तो इनमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसके थ्रू आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्यू के प्लेस पे फ्यू लगाएं, अफ्यू के प्लेस पे अफ्यू लगाएं। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आप प्रीवियस पेपर भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्यू वाली सीरीज को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्यू, अ फ्यू, एंड द फ्यू, इन तीनों को काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए हमको यूज़ करना होता है। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसका मेजरमेंट हम नंबर में करते हैं, जिससे कि जिसको हम नंबर में गिन सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ट्रीज। तो बॉयज को हम नंबर में गिन सकते हैं, गिनते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, एंड गर्ल्स को ऑल्सो नंबर में गिनते हैं, फिर स्टूडेंट्स, ट्रीज, और हर वो नाउन जिसको हम नंबर में गिनते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। और अगर आप फ्यू, अ फ्यू, एंड द फ्यू यूज कर रहे हैं, तो काउंटेबल नाउन जो है वो होना चाहिए आपका प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हम फ्यू को यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि फ्यू, अ फ्यू, और द फ्यू को हम यूज करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, और काउंटेबल नाउन भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, एंड ट्रीज। चलिए, आई थिंक ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला जो है लिटिल, अ लिटिल, एंड द लिटिल। तो इन एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है विद द अनकाउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनका मेजरमेंट हम नंबर में नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है मनी। अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे मनी तो काउंटेबल है, क्योंकि मनी को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मनी का जो मेजरमेंट करते हैं वो नंबर में नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नोट होता है 20 का, तो नोट एक होता है लेकिन हम बोलते हैं 20 रुपए, नोट एक होता है हम बोलते हैं 500 रुपए, या नोट एक होता है जिसको हम बोलते हैं 2000 रुपए। तो उसका जो मेजरमेंट है हम नंबर में नहीं करते हैं, उसका मेजरमेंट हम करते हैं क्वांटिटी में। एक नोट की क्वांटिटी 2000, एक नोट की क्वांटिटी 500, एक नोट की क्वांटिटी 20 है। तो इस तरीके से जो मनी है वो हो जाती है अनकाउंटेबल। फिर वाटर आपको पता है अनकाउंटेबल है, ऑयल और ऐसी सारी चीजें जो अनकाउंटेबल है, उनके साथ में हम एडजेक्टिव यूज करते हैं लिटिल, अ लिटिल, एंड द लिटिल। तो आई थिंक ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जैसे स्टार होता है, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि स्टार जो है वो अनकाउंटेबल है। तो स्टार जो होता है वो काउंटेबल होता है, क्योंकि स्टार का मेजरमेंट हम नंबर में करते हैं, और हर वो चीज जिसके साथ में हम ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं, वो चीज काउंटेबल होती है। चलिए तो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक एक एडजेक्टिव को लेके चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो एडजेक्टिव है हमारा वो है फ्यू। फ्यू फ्यू का मीनिंग होता है न के बराबर। न के बराबर दैट मीन्स कि नो। जैसे कि आपको जो आपका जो सेंटेंस आएगा वो इजीली आपको बता देगा कि आपको फ्यू का यूज करना है या फिर नहीं। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस चेक करते हैं। जो पहला सेंटेंस है, देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। तो इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि क्लास में न के बराबर लड़के हैं, मतलब कि एक या कोई भी लड़का नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे देयर आर फ्यू बॉयज से मीनिंग होता है कि क्लास में कोई भी लड़का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अ फ्यू भी लगा सकता हूँ सेम सेंटेंस में। तो अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, तो जो अ फ्यू होता है उसका मीनिंग होता है थोड़ा। अ फ्यू इज इक्वल टू सम। तो यहाँ पर कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्यू भी लगा सकते हैं, अ फ्यू भी लगा सकते हैं, साथ के साथ हम सम भी लगा सकते हैं, क्योंकि सम इज इक्वल टू अ फ्यू। तो ऐसे आपके जब पास में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन कोई एक ही रहता है तीनों में से। तो जैसे हम नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे मैंने फ्यू भी दिया है, अ फ्यू भी दिया है, और द फ्यू भी दिया है। तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमको पता चला है कि तीनों में से क्या लगाना है।
वो सेंटेंस जो है, प्लीज डोंट स्टार्ट द शो, देयर आर स्टूडेंट्स इन द सिनेमा हॉल। तो ये बोल रहा है कि प्लीज डोंट स्टार्ट द शो, दैट मीन्स कि शो को स्टार्ट मत करो। तो शो को स्टार्ट क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्टूडेंट्स सिनेमा हॉल में स्टूडेंट्स है ही नहीं। तो यहाँ इस सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है कि सिनेमा हॉल में न के बराबर स्टूडेंट है। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पे यूज करना होगा फ्यू। अगर आप यहाँ पे अ फ्यू का यूज करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि स्टूडेंट्स हैं सिनेमा हॉल में, और अगर स्टूडेंट हैं तो आपको फिर शो चालू करना चाहिए। बट सेंटेंस बोल रहा है कि प्लीज डोंट स्टार्ट द शो, तो ये लाइन हमको बता रही है कि यहाँ पे हमको फ्यू का यूज करना है। चलिए, तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने आता है और जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है न के बराबर, तो ऐसे सेंटेंस में आपको यूज करना होगा फ्यू। चलिए हम देखते हैं अ फ्यू का यूज कैसे किया जाता है। तो अ फ्यू इज इक्वल टू सम, अ फ्यू का मीनिंग होता है थोड़ा या कुछ। और अ फ्यू जो है वो भी यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, देर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, और ये सेंटेंस मैंने पहले भी लिया था जिसमें हमने यूज किया था फ्यू, तो वहां पे मीनिंग निकल रहा था कि क्लास में न के बराबर स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम सेकेंड सेंटेंस चेक करते हैं। आई मेट हिम वीक्स अगो, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं उससे मिला कुछ सप्ताह पहले, तो थोड़े सप्ताह पहले या कुछ सप्ताह पहले। तो यहाँ पे कुछ का मीनिंग निकल रहा है, ऐसा मीनिंग निकल रहा है न के बराबर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अ फ्यू। चलिए, तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो फ्यू अ फ्यू, इसके कुछ एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं द फ्यू की ओर। तो द फ्यू से मीनिंग होता है जितना है सब कुछ। अब जब किसी भी सेंटेंस में इस तरह का मीनिंग निकलता है जितना है सब कुछ, तो वैसे केस में आपको यूज करना होता है द फ्यू। और द फ्यू का यूज भी हम करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए, लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे मीनिंग अगर ऐसा निकल रहा है जितना है सब कुछ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मीनिंग किस तरीके से निकलता है। ये फर्स्ट सेंटेंस है, आई टॉट स्टूडेंट्स। अगर ये सेंटेंस स्टूडेंट्स तक होता तो हम यहाँ पे फ्यू लगा सकते थे, आई टॉट फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब मैंने न के बराबर लोगों को पढ़ाया। अगर हम यहाँ पे अ फ्यू लगा सकते थे कि आई टॉट अ फ्यू स्टूडेंट्स, मैंने कुछ लोगों को पढ़ाया। लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा सा और आगे जा रहा है और यहाँ लिखा है आई टॉट स्टूडेंट्स दैट हैड कम, दैट मीन्स कि जितने भी स्टूडेंट आए थे, दैट हैड कम से मीनिंग यहाँ पे हो रहा है जितने भी आए थे। तो जब किसी सेंटेंस में ऐसा मीनिंग निकलता है तो हमको लगाना होता है द फ्यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई नेबर वॉज वन ऑफ ट्रूली एविल मैन आई हैड एवर एनकाउंटर्ड। तो ये सेंटेंस इसमें भी ऐसा ही बोल रहा है, पीछे लिखा है आई हैड एवर एनकाउंटर्ड, तो मतलब जितने भी थे सब कुछ। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लगाएंगे द फ्यू। या फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में पीछे हेड वॉज वर होता है तो उस केस में आपको द वाले ऑप्शन का यूज करना है। काउंटेबल हुआ तो द फ्यू आप यूज करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल हुआ तो द लिटिल। चलिए ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं लिटिल के पास, लिटिल को कैसे यूज करते हैं। तो जिस तरीके से फ्यू होता है न के बराबर, उसी तरीके से लिटिल का मीनिंग होता है न के बराबर, लेकिन फ्यू को हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ और लिटिल को यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम देखते हैं कि देयर इज ब्लैंक वाटर इन दिस पॉट। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन देखूँ तो फ्यू है, तो फ्यू यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि फ्यू को हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। अ फ्यू भी नहीं आ सकता और मैनी भी नहीं आ सकता क्योंकि मैनी को भी हम काउंटेबल, और यहाँ पे वाटर है जो अनकाउंटेबल है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लिटिल, और इसका मीनिंग होगा देयर इज लिटिल वाटर इन दिस पॉट। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका होता है कि आप ऑप्शन को काटते जाएं। अगर आप ऑप्शन को काटते जाते हैं तो इजीली आप जो आपका रियल आंसर होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वाटर के साथ फ्यू लग नहीं सकता, अ फ्यू भी लग सकता है और मैनी भी लग सकता है। तो अगर ये तीन ऑप्शन आप काट देते तो ऑटोमेटिक आप फोर्थ ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। चलिए हम चलते हैं सेकेंड सेंटेंस की ओर। यू कैन नॉट राइट योर लेटर, देयर इज इंक इन दिस बुक। अब ये सेंटेंस बोल रहा है कि यू कैन नॉट राइट योर लेटर, मतलब कि तुम लेटर नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि उस जो पोर्ट है उसमें इंक न के बराबर है, मतलब है ही नहीं, तो इसलिए हमको यहाँ पे यूज करना होगा लिटिल। और ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों ऑप्शन आए हैं, लिटिल भी आया है, अलिटिल भी आया है, द लिटिल भी आया है, और साथ में सम भी आया है। पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे इंक देखा और यहाँ पे लगा दिया सम, कि इंक के साथ में सम लगता है। लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है, यू कैन नॉट राइट योर लेटर, ये आपको बता रही है कि आपको सेंटेंस बोल रहा है कि जो लेटर है वो आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि इंक न के बराबर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देयर वॉज अ फ्लड बट वॉटर एक्चुअली गोट इन टू द हाउस। तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि बाढ़ आ गई थी, फिर इसने कंजंक्शन लगाया है बट, तो बट से मतलब इसका कुछ अपोजिट रिएक्शन हुआ होगा। बट वॉटर एक्चुअली गोट इन टू द हाउस, मतलब कि बाढ़ आ गई थी बट ज्यादा पानी मेरे घर में, मतलब मेरे घर में न के बराबर पानी घुसा। और न के बराबर मीनिंग में ऐसे निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बट लगाया हुआ है,
बट जब सेकंड सेंटेंस ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन देता है तो वहां पे हम बट का यूज करते हैं, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लेटर कि बाढ़ आ गई थी बट मेरे घर में पानी बिल्कुल भी नहीं घुसा। चलिए तो ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट चलते हैं हम एडजेक्टिव की ओर। अ लिटिल, अ लिटिल इज इक्वल टू सम। अ लिटिल का मीनिंग सम के बराबर होता है, और अल हमने अ फ्यू में भी पढ़ा था थोड़ा कुछ, और अ लिटिल में भी पढ़ रहे हैं थोड़ा कुछ, लेकिन वहां पे अ फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और अ फ्यू यूज होता है सॉरी अ लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देयर इज वाटर इन दिस पोट। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अगर हम देखें तो फ्यू अ फ्यू और मेनी यहाँ पे नहीं आ सकते, तो अब यहाँ अ लिटिल आ जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा कि पोट में थोड़ा सा पानी है। और सेकंड सेंटेंस आप देखिए, यू कैन राइट योर लेटर। इसके पहले हमने पढ़ा था यू कैन नॉट राइट, लेकिन अब ये बोल रहा है यू कैन राइट योर लेटर, मतलब कि इंक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लगा देंगे अ लिटिल। लिटिल यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंक होने की बात हो रही है, तो अ लिटिल आ जाएगा। मेनी इंक के साथ लग नहीं सकता इसलिए कट जाएगा, और द लिटिल हम वहां लगाते हैं जहाँ हेड वर या वॉज होता है। अच्छा, हेड वर या वॉज के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पढ़ के समझनी होती है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं, देयर वॉज मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द गेस्ट। अब ये सेंटेंस अगर रेफ्रिजरेटर तक होता तो यहाँ पे हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल भी मिल्क नहीं है तो फिर हम लिटिल लगा देते, बट इस सेंटेंस में लिखा है कि फॉर द गेस्ट, तो गेस्ट के लिए मतलब थोड़ा सा दूध होना चाहिए क्योंकि उनको फिर चाय पिलानी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा सा दूध तो चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अ लिटिल। अगर आप यहाँ पे लिटिल यूज करते हो तो इसका मीनिंग निकल जाएगा कि रेफ्रिजरेटर में मिल्क नहीं है, बट कि यहाँ पे फॉर द गेस्ट लिखा है इसका मतलब कि गेस्ट के लिए थोड़ा सा दूध रखा हुआ है। चलिए ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगला जो एडजेक्टिव है, लास्ट एडजेक्टिव, द लिटिल। चलिए हम देखते हैं द लिटिल। द लिटिल से मीनिंग होता है जितना है सब कुछ, जैसा द फ्यू से मीनिंग होता है वैसा द लिटिल से मीनिंग होता है। डिफरेंस वही काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो द लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, आई स्पेंड मनी आई हेड। अब ये सेंटेंस बोल रहा है कि मैंने पैसा खर्चा किया जितना मेरे पास था, और जितना मेरे पास था मीनिंग निकल रहा है पीछे लिखा है दैट आई हेड, तो यहाँ पर दैट आई हेड से पता चल रहा है कि मैंने पैसा खर्चा कर दिया जितना भी मेरे पास था, तो यहाँ इस सेंटेंस मीनिंग निकल रहा है जितना है सब कुछ, इस वजह से हम लगा देंगे द लिटिल। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सेंटेंस में पीछे हेड होता है, वोज होता है या वर होता है, तो आप द वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्लैंक वाटर दैट वॉज इन द पोट इवेपोरेटेड। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में लिखा है दैट वॉज, तो दैट वॉज लिखा है तो हम यूज कर सकते हैं इसमें द लिटिल। और सेंटेंस बोल रहा है कि वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट इवेपोरेटेड, मतलब कि पोर्ट में जितना भी पानी था सब इवेपोरेट हो गया, मतलब कि उड़ गया, तो यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है जितना है सब कुछ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे द लिटिल। लास्ट क्वेश्चन है, आई ड्रैंक वाटर दैट वॉज इन द पोर्ट। तो इस सेंटेंस में भी आप देखिए पीछे दैट वॉज आ रहा है, और ये बोल रहा है कि मैंने पानी पी लिया, और मैंने कितना पानी पिया जितना भी पोर्ट में था, और ये मीनिंग निकल रहा है दैट वॉज से, तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे द लिटिल। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में पीछे हेड वॉज या वर होता है तो वहां पे हम द वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। तो आई थिंक ये सेंटेंस आप, ये सारे जो क्वेश्चन हैं और सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप ये, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी प्लीज जरूर करें, तो मैं आगे भी इस जैसे वीडियोज और इससे भी अच्छे वीडियोज अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए इसकी आपको मैं एक एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने चार क्वेश्चन दिए, अब आप इनको थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, देन मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ही हैज गिवन मी डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन को काटना स्टार्ट कीजिए। आपके पास जो ब्लैंक के ठीक बाद लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे जो हम एडजेक्टिव है यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स आप देखिए काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है तो फ्यू का यूज करेंगे, अनकाउंटेबल है तो लिटिल का यूज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में एस लगा है मतलब ये काउंटेबल है, तो यहाँ पे हम लिटिल को हटा देंगे। अब बाकी जो बचे ऑप्शन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू,
फ्यू का मीनिंग होता है ना के बराबर, अ फ्यू का मीनिंग होता है कुछ, और द फ्यू मतलब जितना है सब। अब ये सेंटेंस मीनिंग दे रहा है कि ही हैज गिवन मी डॉक्यूमेंट्स टू रीड, उसने मुझे पढ़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए बिफोर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से पहले, तो इसका मतलब कुछ तो दिए होंगे। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लगाएंगे अ फ्यू, यहाँ पे ना के बराबर का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अगला है द टीचर कॉल्ड स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग इन द क्लास ऑफ द स्टाफ रूम। अब यहाँ पे एक चीज है हु वर, और मैंने आपको बताया था कि अगर वॉज वर होता है तो हमको द वाले ऑप्शन का यूज करना है, मतलब कि जितने भी बैठे हुए थे, इसका मीनिंग ऐसा निकल रहा है। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा द फ्यू, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल है और पीछे वर भी आ रहा है, तो इस वजह से हम लगाएंगे द फ्यू। अगला क्वेश्चन है ही नीडेड हेल्प। अब यहाँ पे देखिए हेल्प जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लिटिल। अब लिटिल अगर मैं यूज करता हूँ तो ना के बराबर हेल्प, लेकिन उसने मुझसे मांगी तो कुछ मदद मांगी होगी, थोड़ी सी मदद मांगी होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिटिल नहीं लगा सकता, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अ लिटिल। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग तो इन द क्लास स्टूड अप एंड ग्रीटेड द टीचर। तो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, यहाँ पे मीनिंग ऐसा निकल रहा है जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे, और ये मीनिंग निकल रहा है वर्ड सेटिंग से, तो जितने भी थे ऐसा मीनिंग निकल रहा है, तो मैं ऑप्शन लगाऊंगा द फ्यू। द फ्यू इसलिए क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स है काउंटेबल है, और काउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं द फ्यू। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, और अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो एरर आते हैं वो भी आप ढूंढ सकते हैं कि कब आपको अ फ्यू लगाना है, कब आपको द फ्यू लगाना है, या फिर कब आपको फ्यू लगाना है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस पर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ईजिली